ये आसानी से नष्ट नहीं किया जा सकता है। अब क्योंकि इसे आसानी से नष्ट नहीं किया जा सकता है तो इसीलिए इसकी रिसाइकल पर जोर दिया जा रहा है। लेकिन ये प्लास्टिक बनता कैसे है और ये कहाँ से आता है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि प्लास्टिक एक पॉलीमर होता है और जो कि पेट्रोलियम का ही एक प्रोडक्ट है। अगर आप नहीं जानते कि पेट्रोलियम क्या होता है तो आपको बता दूं कि पेट्रोलियम उस क्रूड ऑयल या कच्चे तेल को कहा जाता है जिसे जमीन से खोदकर निकाला जाता है। और इसी पेट्रोलियम के जरिए हमें कई सारी चीजें मिलती हैं, जैसे कि पेट्रोल, डीजल, केरोसिन और नेफ्था वगैरह। जब इस क्रूड ऑयल को जमीन से निकाला जाता है तो वहां से इसे ऑयल रिफाइनरी भेजा जाता है डिस्टिलेशन प्रोसेस के लिए। और इस प्रोसेस में इस क्रूड ऑयल को अलग अलग टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है और जिससे कि हमें अलग अलग चीजें मिलती हैं। बता दूं कि पेट्रोलियम डिस्टिलेशन प्रोसेस से नेफ्था भी मिलता है और यही वो चीज होती है जो प्लास्टिक बनाने के लिए इस्तेमाल में लाई जाती है। दोस्तों, नेफ्था एक बेहद जटिल हाइड्रोकार्बन है और जो कार्बन की लंबी लंबी और जटिल चेनों से मिलकर बना होता है। दोस्तों, नेफ्था से प्लास्टिक बनाने के लिए नेफ्था को सबसे पहले नेफ्था क्रैकिंग सेंटर में भेजा जाता है और जहां पर इसे कॉम्प्लेक्स से सिंपल फॉर्म में बदला जाता है और जिसके लिए इसे कई सारी प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है, जैसे कि थर्मल क्रैकिंग प्रोसेस, क्विंचिंग प्रोसेस, कंप्रेशन प्रोसेस और रिफाइनिंग प्रोसेस। और जिसके बाद हमें नेफ्था क्रैकिंग से अलग अलग तरह की गैसें मिलती हैं, जैसे कि ईथेन, प्रोपालेन और ब्यूटाडाइन वगैरह। और अब हमें जिस तरह का प्लास्टिक चाहिए रहता है उसके अकॉर्डिंग हम गैस का रिएक्शन डिफरेंट डिफरेंट चीजों के साथ कराते हैं और जिसके बाद इस गैस को एक चैम्बर में भेज दिया जाता है और जहां पर इन गैस के छोटे छोटे मॉलिक्यूल जिन्हें मोनोमर कहा जाता है ये आपस में जुड़ जाते हैं और एक लंबी चेन बनाते हैं जिसे पॉलीमर कहते हैं। और साथ ही इस प्रोसेस को पॉलीमराइजेशन कहा जाता है और इस पॉलीमराइजेशन के द्वारा इन डिफरेंट टाइप की गैसेस से डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पॉलीमर बनाए जाते हैं और इसे ही प्लास्टिक कहा जाता है, जैसे कि पॉलीथिन और पॉलीकार्बोनेट वगैरह। और ये जो अलग अलग तरह की प्लास्टिक बनाई जाती है इसका इस्तेमाल कई अलग अलग जगहों पर आवश्यकता अनुसार होता है और जो आप भी काफी अच्छे से जानते होंगे। तो दोस्तों, ये तो आपने जान लिया कि प्लास्टिक कैसे बनता है, बट प्लास्टिक से जुड़ी कुछ और ऐसी बातें हैं जो आपको जरूर पता होना चाहिए। दोस्तों, ये बात तो हम जानते हैं कि प्लास्टिक का इस्तेमाल लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन प्लास्टिक से बनी टेबल, कुर्सी, बाथरूम की बाल्टी, झाड़ू, डस्टबिन, ये सारी ऐसी चीजें हैं जिनके इस्तेमाल से हमारी सेहत पर सीधा असर नहीं पड़ता है। लेकिन जब ये चीजें टूट जाती है या फिर बेकार हो जाती है तो लोगों के द्वारा इन्हें इधर उधर फेंक दिया जाता है। ऐसा ना करें, बल्कि इन्हें इकट्ठा करके कबाड़ वाले को दे दें जिससे इन्हें रिसाइकलिंग के लिए फैक्ट्री भेजा जा सके। और इन चीजों को जलाना तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए, क्योंकि प्लास्टिक या फिर रबड़ के जलने से निकलने वाला धुआं काफी जहरीला होता है और यही धुआं हमारे सांस के जरिए खून में मिलकर तुरंत असर दिखाता है। हमारे वातावरण की हवा जहरीली हो जाती है और फिर बारिश के साथ ये जहर नीचे आकर मिट्टी और पानी को जहरीला बना देता है। प्लास्टिक की थैलियां जिनका हम हर रोज इस्तेमाल करते हैं, सोचिए पहले जब ये प्लास्टिक की थैलियां नहीं होती थी तब भी लोग बाजार से सामान खरीदते थे, लेकिन इन प्लास्टिक की थैलियों की थोड़ी सी सहूलियत की वजह से जीव जंतु के साथ साथ पूरे वातावरण को नुकसान पहुंचता है। और अक्सर ऐसा होता है कि कचरे से खारा ढूंढकर खाने वाले गाय मवेशी इन्हें निगल लेते हैं और उनकी आत्मा फंसकर ये प्लास्टिक की थैलियां उनकी मौत का कारण बनती है। और ये प्लास्टिक जमीन के अंदर दबकर भी नष्ट नहीं होता है बल्कि मिट्टी को प्रदूषित और कर देता है। दोस्तों, प्लास्टिक से एक नहीं बल्कि अनगिनत नुकसान है, तो जितना हो सके प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करें। उम्मीद करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर करें और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आगे भी देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।